I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholars. As you guys already know कि इस channel पर interview series चल रही है जिसमें मैं different employees and employers का interview ले रही हूँ ताकि आपको career guidance मिल सके and इसके अलावा आपके career growth के लिए suggestions मिल सके. तो आज इस series का third video है जिसमें आज मैंने invite किया है स्वाति झा को जो कि system software engineer है HP में and इसके अलावा वो work कर रही हैं R&D department में वहाँ पर. तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं. सो वेलकम स्वाति झा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस चैनल के लिए स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए अपना टाइम निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया, किस ब्रांच में किया एंड देन आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दीपाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू गाइड योर स्टूडेंट्स. इट्स अ प्लेजर फॉर मी, थैंक यू सो मच. एंड टू स्टार्ट ऑफ माय नेम इज़ स्वाति झा एंड मैं 2016 ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम IMS इंजीनियरिंग कॉलेज. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से करी है एंड आई गॉट प्लेस्ड इन कैंपस प्लेसमेंट इन Hewlett Packard Enterprise एंड आई एम करेंटली सिचुएटेड इन बैंगलोर. तो मैं स्टोरेज डिवीजन में काम करती हूँ HP की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. तो आई वर्क फॉर HP स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है सो आई टेस्ट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कंपैटिबिलिटी विद द हार्डवेयर. ओके, मींस आपका जो मेन जो रहता है वो हार्डवेयर से डीलिंग रहती है, सॉफ्टवेयर से आपका कम डीलिंग है. ओके, दैट इज़ गुड. ओके, तो आप बताइए कि HP आपके कॉलेज में ही आई थी ये, तो क्या क्या राउंड्स वहाँ पर हुए थे, कौन कौन से रिटर्न राउंड्स हुए थे, कौन से आपके टेक्निकल एंड HR राउंड हुए थे, कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाए कि HP के लिए अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कैसे प्रिपेयर होना है. सो HP का पूल कैंपस हुआ था एंड हम लोगों के टोटल 6 राउंड्स हुए थे. तो फर्स्ट राउंड जो था वो ग्रुप डिस्कशन का था. तो हम लोग एक रूम में अबाउट 20 पीपल थे और टॉपिक था सेल्फी, इज़ इट गुड और बैड. एंड हम सब लोगों को बताना था मतलब हमारे ओपिनियन क्या हैं. एंड उसके बाद जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर किया था उन लोगों का एक रिटन टेस्ट हुआ था जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश, थोड़ा बेसिक सी और ज़्यादातर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे, नेटवर्किंग और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे. तो और थोड़े बहुत सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के भी क्वेश्चंस थे. तो आफ्टर दैट जिन्होंने वो राउंड क्लियर किया था उन लोगों का बेसिक टेस्ट हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था लाइक पर्सनल इंटरव्यू एंड वन ऑन वन इंटरव्यू. और उसमें भी मुझसे अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड थे, जैसे कि IPv6 और IPv4 में क्या डिफरेंस होता है और IP एड्रेसेस की रेंज क्या होती है, बेसिक नेटवर्किंग और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस. तो जिन लोगों ने रिटन क्लियर किया था उसके बाद फिर एक और राउंड हुआ था जिसमें कि उन्होंने हमें एक टॉपिक पढ़ाया था. सो बेसिकली इट वाज अबाउट क्लाउड्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में एक टॉपिक उन्होंने हमें पढ़ाया था, छोटा सा, बस 5-10 मिनट का लेक्चर था. और उस पर हमने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है वो जानने के लिए फिर हमें वो टॉपिक एक पैनल को समझाना था हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड वो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके बेसिस पे. HR राउंड में बस वही कि अगर मुझे डेल से ऑफर आएगा सेम जॉब रोल का तो एंड अ हायर पैकेज तो मैं एक्सेप्ट करूँगी या नहीं करूँगी, गोल्स क्या हैं, करियर गोल्स, ये जॉब प्रोफाइल मेरे करियर गोल्स के अलाइनमेंट में है या नहीं है. सो जो आपने जैसे बताया कि रिटर्न में सी के क्वेश्चंस भी थे, तो सी के क्वेश्चंस का क्या लेवल था, बहुत ही हाई लेवल के थे या बहुत ही सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस थे, क्या लेवल था उनका? काफ़ी बेसिक लेवल था, सी का जो लेवल था वो काफ़ी बेसिक था. लाइक अगर कोई भी बंदा जिसने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ी हो उसको आएगा वो, इट वॉज नॉट वेरी एडवांस्ड या ऐसा सा कुछ. आई वुड से कि जो सिग्नल्स और नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, बट सी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे. ओके, दैट इज़ वेरी गुड स्वाति. आई थिंक मुझे ध्यान है कि आप वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स थी जिनका अकेले का सिलेक्शन हुआ था HP में पूरे कॉलेज से, राइट? ओके, दैट इज़ वेरी गुड. तो फाइनली आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगी, आपका अगर किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया वहाँ से आपको रिजेक्शन मिला हो, वहाँ से आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया एंड इसके अलावा जैसे आप कंपनी में इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को कुछ आप उनके करियर के लिए कुछ सजेशन दीजिए प्लीज़.
तो जो मैंने अपने इंटरव्यू राउंड से सीखा था वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है वो आना ही चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि इंटरव्यूअर को ये दिखना चाहिए कि आप सीखने के लिए तैयार हो। वो आपसे आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आपको बस ये दिखाना है कि आप विलिंग हो लर्न करने के लिए और चीज़ें ग्रास्प आपकी आप जल्दी ग्रास्प करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एंड डोंट हेजिटेट टू से कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या आपको अभी नहीं पता है। आपको बस उसे बताना है कि आई डोंट नो एट द मोमेंट बट मैं सीखने के लिए तैयार हूँ एंड आई एम विलिंग टू पुट इन दी एफर्ट्स। सो और जो चीज़ें मैंने बाकी इंटरव्यूज जिसमें मैं रिजेक्ट हुई थी उनसे जो मैंने सीखा था कि कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं एंड हम फिर उसके आगे का जो भी पार्ट होता है वो हम सब खराब कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमने वो वाले राउंड में तो गड़बड़ कर दी है। हाँ हम डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो आप वो वाली फीलिंग को अपने ऊपर मत मतलब हावी मत होने दीजिए। सो आप बस ये ट्राई कीजिए कि आप मतलब कोशिश कीजिए कि आप कोई बात नहीं एक राउंड खराब हो गया दैट्स ओके मैं दूसरे राउंड में बेटर कर दूंगी। सो डोंट गो डाउन बेस्ड ऑन वन राउंड। सो थैंक यू सो मच स्वाति। आई होप कि स्टूडेंट्स को आपकी इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे सजेशंस मिले हों, बहुत सारी करियर ग्रोथ के लिए एडवाइस मिली हो। आई होप दैट। थैंक यू दीपाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी टॉक टू योर ऑडियंस एंड इट वॉज वेरी नाइस। जैसे कि आपने देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट थी स्वाति, एंड वो एचपी में है, तो उन्होंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह से उसका इंटरव्यू राउंड हुई थी, कौन कौन सी किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब कुछ बताया स्वाति ने डिटेल में। तो आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए जब आप अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनवाइट करने वाली हूँ अक्षय भसीन को, और राइट नाउ वो हॉट स्टार में प्लेस्ड हैं। तो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू, गुड लक।